हेडलाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में कल बड़ा खेल होता हुआ देखा गया। दरअसल 16 विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया और जिसके बाद एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत हो गई। उद्धव गुट की उस याचिका को खारिज करते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिंदे गुट की शिवसेना ही असली शिवसेना है। इसके बाद अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीडी प्रमुख उद्धव ठाकरे का अब अगला कदम क्या रहेगा। क्या उद्धव ठाकरे राहुल नार्वेकर के इस फैसले के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि अगर राहुल नार्वेकर निष्पक्षता के साथ फैसला नहीं लेते तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे। तमाम सवाल बार बार निकल करके सामने आ रही है कि क्या अब उद्धव गुट वाकई में सुप्रीम कोर्ट का रुख करता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर लगातार उद्धव गुट एक्टिव नजर आ रहा है, इन 16 विधायकों का अगला कदम क्या रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जाते हुए उद्धव ठाकरे को देख क्या ये 16 विधायक मातोश्री की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है। बार बार उद्धव ठाकरे को लेकर देखा गया कि वो इन विधायकों को हर तरह से समझाते हुए नजर आए कि आप वापस मातोश्री की तरफ रुख कर लें। और जिस तरीके से अब राहुल नार्वेकर ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया और वो भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में, इसके बाद क्या अब इन 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर एक बार फिर से उद्धव गुट रुख करता हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर आएगा, ये देखना काफी अहम रहेगा। और ऐसे में अगर वाकई उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं तो 5 जजों की बेंच जब इस मामले पर फैसला लेगी तो इन 16 विधायकों का क्या रुख रहेगा। क्या 16 विधायक अब मातोश्री की तरफ रुख करने वाले हैं जब ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।